जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल तक जो चीज़ें देखी थी उसमें भी क्वेश्चन के बाद हम बेसिकली कल पढ़ रहे थे सप्लाई के डिटरमिनेंट्स के जनाब। सप्लाई जो प्रोड्यूसर है, वो जो प्रोडक्ट सप्लाई करता है मार्केट के अंदर, वो किन वजूहात की बिना पे उनके अंदर कमी बेशी हो सकती है। जी रिशा कह रही है सब्सिडी के ग्राफ दोबारा बता दें। सब्सिडी का हम ये यहाँ पर ये देख रहे थे कि सब्सिडी क्या है। गवर्नमेंट सर्टन इंडस्ट्री को, सर्टन प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि उस प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन कार्स की, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, दिस इज एन एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन कार्स, कि जनाब आप ये हाइड्रोजन कार्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें। तो लेकिन सब्सिडी आपको मिलेगी जब सर्टन आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव कर लेंगे, लेवल ऑफ सप्लाई आप अचीव कर लेंगे, उसके बाद जाके आपको सब्सिडी मिलेगी। क्लियर है? ये तो हमें सब्सिडी मिलती क्या है, सब्सिडी मिलने से होता क्या है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। वो जो सप्लायर था फॉर एग्जाम्पल सर्टन लेवल के ऊपर, जैसे हमारे पास प्राइस थी 20, उसके ऊपर 50 यूनिट्स सप्लाई करने के लिए तैयार था, क्वांटिटी सप्लाई 50 यूनिट। और जब प्राइस करते हैं आप 25, उस वक्त वो 70 यूनिट्स सप्लाई करने के लिए तैयार है। 25 प्राइस नॉर्मल सप्लाई कर्व के अंदर वो 70 यूनिट्स सप्लाई करने के लिए तैयार था। अब इस वक्त फॉर एग्जाम्पल जब ये सिचुएशन थी, इसमें प्राइस थी 25 एंड देन कॉस्ट थी फॉर एग्जाम्पल 20 और प्रॉफिट था आपका 5 का, ऐसा ही है। फिर कहा कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, गवर्नमेंट सब्सिडी दी, गवर्नमेंट ने कहा अब आप बताइए क्वांटिटी सप्लाई क्या, तो 20 तक तो 50 रहेगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त तक तो आपका यही कॉस्ट स्ट्रक्चर चल रहा है, तो 20 तक तो 50 रही। आगे चले जब हम, तो इधर आके हमने 90 सप्लाई कर दी, 70 की जगह 25 रुपए के ऊपर, 25 प्राइस के ऊपर 90 यूनिट सप्लाई कर दी है। इस 90 में इजाफे की रीजन क्या बनी कि आपके 25 रुपए थे, 20 रुपए आपकी कॉस्ट थी और इस कॉस्ट में से माइनस हो गया सब्सिडी। अब वो सब्सिडी 2 रुपए थी, 8 रुपए थी, जो भी थी माइनस हो गई, टोटल कॉस्ट आपकी 18 थी और प्रॉफिट अब आपका 7 हो गया। जो पहले प्रॉफिट था 5, अब प्रॉफिट हो गया 7। अब लोग जो सप्लायर है सेम प्राइस के ऊपर ज्यादा मिकदार में क्वांटिटी सप्लाई करने को तैयार हो गए हैं। और उसकी रीजन क्या थी कि उनका प्रॉफिट आप बढ़ा है ड्यू टू दिस सब्सिडी, वो सब्सिडी की वजह से उनके प्रॉफिट के अंदर इजाफा हो रहा है, वो इस वजह से वो अब विलिंगनेस टू सप्लाई उनकी बढ़ गई है। विलिंगनेस टू सप्लाई 25 तक 20 रुपए तक विलिंगनेस प्राइस सेम थी, क्योंकि उस वक्त तक सब्सिडी आपकी नहीं आई थी, वो सेम रही, वो आगे आपने चेंज नहीं किया। तो 20 रुपए तक आपकी विलिंगनेस टू सप्लाई सप्लाई कर्व सेम रही, 20 रुपए के बाद सब्सिडी ने इंपैक्ट करना है, तो 20 रुपए के बाद विलिंगनेस टू सप्लाई आपकी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से आप 25 रुपए के ऊपर एडिशनल 20 यूनिट प्रोड्यूस करवाने के लिए तैयार हो गए। चलिए जी राइट हो गया जी। डिटरमिनेंट्स की बात कर रहे थे, हमारा प्राइस तो एक बेसिक डिटरमिनेंट है, फिर उसके अंदर हमने टैक्स को देखा, फिर हमने उसको देखा, आपने माशाल्लाह
सब्सिडी को देखा और फिर सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन. ये सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट आर दिस सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन आइडिया? सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन नहीं, कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं. सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन जी, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं. एग्जाम्पल, एक फैन इंडस्ट्री है, फैन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. अब ये फैन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, दिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कैन प्रोड्यूस सीलिंग फैन, पंखे छत पे लगाने वाले सीलिंग फैन, पेडेस्टल फैन, दे कैन इवन प्रोड्यूस आजकल जो चल एग्जॉस्ट फैन, इसी तरह से और जो पंखों की एग्जाम है, पंखों की जो एग्जाम है उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं. जी बिलाल भाई, आप वो मैसेज को लिख रहे थे कीबोर्ड के ऊपर से, जरा अपना पार्टनरशिप. अच्छा, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिफरेंट मार्केट है. एग्जॉस्ट फैन की अपनी मार्केट, पेडेस्टल फैन की, सीलिंग फैन की, लोअर फैन की, ब्रैकेट फैन की अपनी मार्केट है. अब क्या इनको प्रोड्यूस करने के लिए कोई डिफरेंट काइंड ऑफ, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा जो रिसोर्सेज है? रिसोर्सेज के अंदर क्या कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंस होगा? रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा. बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा. सीलिंग फैन बनाने के लिए शायद आपको डिफरेंट तरह का रॉ मटेरियल चाहिए होगा, पेडेस्टल फैन के लिए डिफरेंट तरह का रॉ मटेरियल चाहिए होगा. लेकिन जो लेबर हमने पढ़ा था, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये आपस में मिलके कुछ गुजारा कर सकते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, कहीं ना कहीं एक ही एंटरप्रेन्योर शायद ये तीनों टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकेगा. लेबर जो सीलिंग फैन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी लेबर को आप पेडेस्टल फैन के लिए, एग्जॉस्ट फैन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वही जो फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री के अंदर जहां पे आप सीलिंग फैन बना सकते हैं, उधर ही आप पेडेस्टल फैन भी और एग्जॉस्ट फैन भी बना सकते हैं. कोई रॉ मटेरियल के अंदर थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन वो जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है. That is an easy task. उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कोई आपको शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी. अगर यही सीलिंग फैन वाले ये फैन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कहा जाए, आपने जनाब सोप बनाना है, तो आप क्या होगा? आपको सोप बनाना एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, एक बिल्कुल डिफरेंट एक्टिविटी है. उसके लिए रिसोर्सेज भी डिफरेंट तरह के चाहिए होंगे, रॉ मटेरियल भी डिफरेंट तरह का चाहिए होगा, लेबर भी स्किल्स डिफरेंट तरह की चाहिए होंगी, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्टिविटी हो जाएगी. लेकिन विद इन मैन्युफैक्चरिंग उसके पास अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करने का चांस मौजूद है. अब ये प्रोड्यूसर को देखना है कि उसको किस एक्टिविटी के अंदर, किस प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा मुनाफा नजर आता है. वो अपने रिसोर्सेज उन एक्टिविटीज के ऊपर, उन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के ऊपर लगाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा. उसके लिए आसान है अपने
लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को उन एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना जहां पे उसको प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा। तो यही हम बात यहां पे कह रहे हैं कि जनाब जब सप्लाई के ऊपर असर अंदाज होगी सब्स्टिट्यूट की प्राइस, सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन की प्राइस, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको जिन प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करें या प्रोडक्ट बी को, ये प्रोड्यूसर के पास चॉइस है। तो फिर सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन के अंदर वहां पे प्राइस अगर उसकी चेंज होगी तो आपकी सप्लाई के ऊपर इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा? सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन आर गुड्स इन कंपेटिटिव सप्लाई, टू आर मोर गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड और अल्टरनेटिव्स यूजिंग द सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फिर ए राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन विल कॉज अ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड अंडर एग्जामिनेशन। यहां पर सी पेन की फॉर एग्जाम्पल प्राइस थी पहले 2000, अब प्राइस बढ़ गई एक नाम से, मार्केट के अंदर डिमांड आई किसी भी वजह से, प्राइस बढ़ गई, अब प्राइस इसकी चली गई मार्केट के अंदर 4000, कॉस्ट इसकी वही रही, मुनाफा एकदम से ज्यादा नजर आना शुरू हो गया। तो जितने भी फैन मैन्युफैक्चरिंग के लोग होंगे वो सारे सोचेंगे यार कि मुझे क्या जरूरत है, मैं प्रोडक्शन फैन, इससे प्रॉफिट मुझे 500 आता है, इससे प्रॉफिट जितनी मैं मेहनत करता हूँ, प्रोडक्शन फैन बिकता 2500 का है, 2000 इसकी कॉस्ट है, तो प्रॉफिट इसका मुझे 500 आता है। प्राइस कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट मुझे इससे 500 आता है। इसी तरह एग्जॉस्ट फैन मेरा 3000 का बिकता है, 2000 उसकी कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल 1000 का मुझे उससे प्रॉफिट आता है। और यहां पे आप क्या होगा कि कॉस्ट इसकी 1700 थी, मुझे 300 सिर्फ प्रॉफिट आता था, अब एकदम से 4000 में से 1700 कॉस्ट वही रही, मुझे 2300 प्रॉफिट आना शुरू हो गया। सो आई वुड लाइक, पहले मेरी लीस्ट प्रायोरिटी पे था सीलिंग फैन, पहले लीस्ट प्रायोरिटी पे था, अब प्राइस चेंज होने से कंपेटिटिव इन प्रोडक्शन, सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन की प्राइस चेंज होने से प्रोड्यूसर विल ट्राई टू शिफ्ट इज मोर रिसोर्सेज टुवर्ड्स दिस प्रोडक्ट, वो प्रोड्यूसर फैन को की सप्लाई को कम कर देगा। जी होटल ड्राइवर इशू है, ड्राइवर क्या है ग्रीन के लिए चाहिए या उबर के लिए? अच्छा, तो वो प्रोडक्शन फैन की सप्लाई को कम करेगा, एग्जॉस्ट फैन की सप्लाई को कम करेगा, सीलिंग फैन की सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इससे अगर हम प्रोडक्शन फैन और एग्जॉस्ट फैन की सप्लाई को देखेंगे तो हमें लगेगा कि ओहो इसके अंदर तो फर्क ही नहीं आया, प्राइस के अंदर तो फर्क नहीं आया, या किस वजह से इसकी सप्लाई कम होगी? जनाब प्राइस में फर्क आया और प्राइस सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन के अंदर फर्क आया, दैट इज द रीजन। और ये प्रिंटर की एग्जाम्पल दे रहे हैं, मोनोग्राम ब्लैक प्रिंटर एंड कलर प्रिंटर, इफ द प्राइस ऑफ कलर प्रिंटर इंक्रीजेस देन विद फाइनाइट रिसोर्सेज द फर्म विल प्रोड्यूस मोर कलर प्रिंटर एंड लेस ब्लैक प्रिंटर। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्लैक प्रिंटर द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट कलर प्रिंटर इंक्रीज विद कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। तो एग्जाम्पल यहाँ पे प्रिंटर्स की भी आप होती है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन, कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन की प्राइस के अंदर चेंज हो जाए तो भी आपका, अब ये कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन क्या चीज है, एग्जाम्पल बताएं, सोच अगर शेयर हो ड्राइवर्स के से निकले और आप बताए जी मीट एंड वुड। अब ऐसी प्रोडक्ट जो कि एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से निकलती है, जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस, जॉइंट प्रोडक्ट उनका एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ अलग है। जैसे हम गए थे शुगर इंडस्ट्री के, शुगर के में जब आप उससे जाते हैं तो स्टार्ट आपकी बेसिकली शुगर मिल है, शुगर मिल है, तो क्या क्या इससे निकलता है, एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले जो आपका बेसिक प्रोडक्ट
जो शुगर है वो निकलती है। फिर आप गन्ने का कोक, गन्ने का कोक जिसको हम बुगास कहते हैं, जो गन्ने का कोक जिसको कहते हैं, बुगास इससे निकलता है। फिर इससे जो डिस्टिलरी यहां पे लगाते हैं, जो एंड पे प्रोडक्शन के बाद शुगर जनरेट करने के बाद जो रिमेनिंग आपका मटेरियल बच जाता है उसको डिस्टिलरी लगा के फिर उसको रिफाइन करते हैं और उससे फिर अल्कोहल और वो चीजें भी बनती हैं। पर जो आपके केमिकल से मिला के उसको यूज किया जा सकता है। तो एक ही प्रोडक्शन का प्रोसेस है, एक ही मिल है जिसके अंदर से ये तीन डिफरेंट चीजें निकल रही हैं। बाई प्रोडक्ट्स जिसको कहते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स, मेन प्रोडक्ट्स हमारी अगर प्रोडक्शन है आपकी शुगर है तो बाई प्रोडक्ट बुगास निकल रहा है, अल्कोहल के आपकी जो एक्टिविटी है उसको डिस्टिलरी से वो चीज निकल रही है। इसी तरह से एग्जाम्पल चीज दी है, एग्जाम्पल टीम दी है आपकी मीट एंड वूल, या लेदर। अब आप रियर करेंगे काउ को, रियर करते हैं फॉर एग्जाम्पल, जिबा करते हैं काउ को, तो काउ को रियर करके क्या क्या निकलता है? आप उसका मीट भी यूज करते हैं और उससे जो उसकी जो स्किन है उससे आप लेदर भी बनाते हैं, लेदर या वूल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या थी? एक ही प्रोसेस था, रीडिंग ऑफ काउ, काउ को जिबा करना एक प्रोसेस था, प्रोडक्शन प्रोसेस, उससे आपका मीट भी मिला और लेदर भी मिला। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी डिमांड या आपकी प्राइस फॉर मीट इंक्रीज हो जाती है, मीट प्राइस इंक्रीज हो जाती है, मीट प्राइस वैसे इंक्रीज है, ये वाली मीट MBJT वाला मीट, मीट प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, लोग क्या चाहेंगे? लोग चाहेंगे जनाब के हम इसको ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करें क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा है, इसमें प्रॉफिट ज्यादा आया, प्राइस इंक्रीज हुई, लोगों को प्रॉफिट ज्यादा नजर आया। लेकिन इस एक की सप्लाई बढ़ाने से इंक्रीज सप्लाई, रिजल्टेंटली इंक्रीज सप्लाई, सप्लाई ऑफ लेदर, वूल, लेदर मारने के बाद लेदर ही मिलता है, वूल तो आपके साथ साथ मिल जाती है। मार्कर और व्हाइट बोर्ड की एग्जाम्पल ठीक नहीं है क्योंकि मार्कर एक डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस की एक्टिविटी है और व्हाइट बोर्ड एक डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस की एक्टिविटी है। वो कंप्लीमेंट इन यूज तो है लेकिन कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन नहीं है। फ्लोर एंड हर्स की एग्जाम्पल ठीक है कि आटा और उसका जो छान पूरा साथ में बाकी रह जाता है उसकी बात हमारी ठीक है कि एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से आ रहा है। तो सदर बेसिक जो यहां पे हम कंप्लीमेंट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से वो निकल रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। जैसे ये देखें डिफरेंट प्रोडक्ट, शुगर, मुगास बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट है, इसी तरह से मीट, लेदर बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, बट ये आउटकम है फ्रॉम द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस। एक तो आना जाना बोल रहा होगा। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन क्या कह रहे हैं सर? कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन आर गुड इन जॉइंट सप्लाई, टू आर मोर गुड्स विच आर प्रोड्यूस टूगेदर एज पार्ट ऑफ द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस। राइजिंग द प्राइस ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन विल लीड टू एन ऑटोमेटिक इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द गुड अंडर एग्जामिनेशन।
जैसे हमने यहाँ पे बात की, मीट की प्रोडक्शन में सप्लाई में इजाफा किया और लेदर की सप्लाई खुद बहुत बढ़ गई, इंपैक्ट आ गया। डिसीजन फार्मर डिसाइडिंग हाउ मेनी कॉज कॉज टू रियन टू ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन मेड फ्रॉम कीपिंग कॉज आर बीफ एंड लेदर। If the price of leather rises, then the farmer may decide to increase the amount of cows he keeps, thereby increasing the supply of beef also. और टेक्नोलॉजी की वजह से भी आपकी सप्लाई के ऊपर असर डालनी होती है। This is an algorithmic factor which can drive the most change in आपकी आप पहले कंप्यूटर प्रोवाइड करते थे P4, Pentium 4। अब आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, P4 जो प्रोवाइड करने वाले सप्लाई करने वाले हैं उनकी सप्लाई खत्म हो जाएगी, क्यों? अब वो नई टेक्नोलॉजी आ गई है। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड विल कॉज एन इंक्रीज इन सप्लाई। पहले आप प्रोडक्शन करते थे, फॉर एग्जाम्पल इसी की जो एग्जाम्पल हमारी आपकी कोई टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल मिल आपने मशीन ले आई थी, लूम स्पिन एनीथिंग कैट मशीन, उसकी सर्टन कैपेसिटी थी, उस मशीन की फॉर एग्जांपल 100,000 यूनिट्स पर मंथ, ये उसकी एक कैपेसिटी थी। अब आपने टेक्नोलॉजी चेंज की, जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे थे पहले टेक्सटाइल के अंदर कपड़ा बना रहे थे, शायद 100,000 मीटर आप कपड़ा प्रोड्यूस करते थे इस मशीन के साथ, टेक्नोलॉजी चेंज की, मशीन चेंज की, न्यू मशीन आ गई। नई मशीन ने आने से क्या हुआ, नई मशीन के आने से आपकी कैपेसिटी, नई मशीन के आने से फॉर एग्जाम्पल आपकी कैपेसिटी बढ़ गई 2,00,000 यूनिट्स पर मंथ होगी। अब क्या होगा, आप अपने सेम रिसोर्सेस के साथ, उसी लेबर के साथ, उसी शायद इलेक्ट्रिसिटी के साथ, उसी लेबर के साथ, लैंड के साथ, आपकी एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटीज भी वही होगी, लेकिन सिर्फ आउटपुट ऑफ द टेक्नोलॉजी हैज चेंज, output of the machine has changed. This has made an immense impact on your cost. वो आपकी cost के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा आपकी cost को half कर देगा, per unit cost आपकी half हो जाएगी। अगर हमारी overheads, क्योंकि production के अंदर ज्यादा चीज क्या overhead, अगर overhead थे 100,000 के तो per unit overhead, overhead क्या होते हैं, ओवरहेड ब्रिज वगैरह तो आजकल काफी देखे होंगे ना, सुभाष शिव साहब ने इतने ओवरहेड ब्रिज बनाते हैं, उन्हीं की बात हो रही है ना। ओवरहेड प्रोडक्शन के अंदर हम बात करते हैं कि जो ऐसी कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है। एक तो कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी होती है, वो कौन सी है, रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल होगा ही नहीं तो प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन अगर रॉ मटेरियल मौजूद हो, मशीन्स मौजूद हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके ऊपर आप लेबर नहीं लगाएंगे, बिजली नहीं लगाएंगे, रेंट को प्रिविसिट नहीं होगा, जो एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, तो आपकी उस रॉ मटेरियल से एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सके। तो रॉ मटेरियल से एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं उनको हम ओवरहेड कहते हैं। उसमें लेबर भी है, वेजेस भी है, उसमें डेप्रिसिएशन भी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, उसमें आपकी रेंट भी है, उसमें रेट भी है, उसमें सारे जो आपके एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू योर प्रोडक्शन प्रोसेस वो करने पड़ते हैं। अच्छा जी, ओवरहेड पर यूनिट ओवरहेड क्या आता, पर यूनिट ओवरहेड आया था ₹1 पर यूनिट, अगर प्रोडक्शन हमारी 1,00,000 की रहती। अब सेम ओवरहेड के साथ आपने प्रोडक्शन डबल कर दी, तो अब ₹0.5
पर यूनिट ये चला गया, 0.5 पर यूनिट चला गया। तो उससे क्या होगा आपका, जब कॉस्ट पर यूनिट कम होगी प्रॉफिट पर यूनिट बढ़ेगा। जब प्रॉफिट पर यूनिट बढ़ता है तो हमने देखा है कि सप्लाई विलिंगनेस टू सप्लाई बढ़ जाती है सेम प्राइस के ऊपर। तो ये जो हमने यहाँ पे बात कही टेक्नोलॉजी के तरीके से, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी गिविंग एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड देयरफॉर सप्लाई कैन बी सीन इन फीड मार्केट इफ यूजिंग ए हॉर्स प्लो। जैसे पुराने जमाने में हल था जो कि हम बैल के साथ इस्तेमाल करते थे, वो लोग हॉर्स के साथ। वर्किंग द फील्ड ए फार्मर कुड ओनली यील्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस एंड वर्किंग से 60 आवर्स विद द कंबाइंड हार्वेस्टर। जो मशीन्स आजकल आ गई कंबाइंड हार्वेस्टर एंड अदर मशीन, इट इज पॉसिबल फॉर द अमाउंट ऑफ वीट टू बी सप्लाइड टू इंक्रीज सब्सटेंशियली यूजिंग द सेम 60 आवर्स। उसी ओवरहेड को यूज करते हुए सब्सटेंशियली आपने अपनी आउटपुट के अंदर इजाफा किया जी। रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड टाइम, टाइम एंड सप्लाई बहुत जरूरी है रिलेशनशिप। सप्लाई की जब बात करेंगे, क्वेश्चन आपके पास आए ओके जी मुझे 1,00,000 यूनिट्स एयर कंडीशनर्स चाहिए और चाहिए भी आज। तो जब उसने पहले कहा कि 1,00,000 यूनिट चाहिए तो आप कहेंगे कि अच्छा यार करो, मेरे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मैं एक महीने में प्रोड्यूस करके दे दूंगा। लेकिन उसने जब कहा ना कि मुझे आज चाहिए तो बात चेंज हो गई। और अगर वो ये 1,00,000 यूनिट मुझे चाहिए अगले साल में तो सप्लायर के लिए इम्पैक्ट चेंज हो गया। और कहेंगे मुझे 1,00,000 यूनिट चाहिए एक घंटे के अंदर तो सप्लायर के लिए इम्पैक्ट चेंज हो गया। तो सप्लाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है विद द टाइम। टाइम स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि जनाब आप जब सप्लाई की बात कर रहे हैं तो किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। सप्लाई फंक्शन इज द फैक्टर ऑफ टाइम, टाइम इज सिग्निफिकेंट ड्यू टू द फैक्ट दैट द सप्लायर्स आर सपोज टू रिएक्ट रादर वेरी क्विकली टू एनी चेंज इन डिमांड एंड आवर प्राइस। So therefore it becomes very significant for the producer to find out if the change that occurred is temporary or relatively permanent. So 1,00,000 units aap keh rahe hain ki 1,00,000 units mujhe air conditioner chahiye aur aaj hi chahiye ya ek mahine mein chahiye, to ye main iske liye kya karu, mujhe ye dekhna padega ye 1,00,000 units har mahine meri requirement banegi mujhe produce karne padenge ya 1,00,000 units ye sirf one off टेम्पररी काइंड ऑफ इंक्रीज है मेरी सप्लाई के अंदर। तो अगर तो परमानेंट इंक्रीज होगी तो आपका बिहेवियर टू सप्लाई डिफरेंट होगा। आप अपनी फैक्ट्री की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहेंगे, आप अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर इजाफा करना चाहेंगे ताकि आप परमानेंटली 1,00,000 यूनिट्स एसी के प्रोड्यूस करते रहें। और लेकिन अगर एक दफा वन ऑफ है तो आपका बिहेवियर फर्क होगा। आप कहेंगे मुझे मार्केट से उठा लेता हूं, मैं प्रोवाइड कर देता हूं, मार्केट से मुझे 80 रुपए का मिलेगा, 100 रुपए का बेच दूंगा तो अपना प्रॉफिट आपके बेच दूंगा। तो ये लेट्स सपोज दैट देयर इज सडन चेंज इन द वेदर एंड द पीपल फेस एन अनएक्सपेक्टेड रेनी सीजन, बारिश का डिमांड फॉर अम्ब्रेला छतरी वुड गो अप एंड द मैन्युफैक्चरर्स वुड नीड टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन अकॉर्डिंगली। In the given scenario, the supplier would rather prefer using their existing equipment more intensively than going for arranging a new setup altogether in order to enhance their production facility. Had it been a climatic change, suddenly the climate bhi change ho jata, aapka mahol hi change ho jata. Pehle agar barshe nahi ho rahi thi, ab barshe har saal hui hai, routine mein hi ho rahi hai. Then the people would have required the umbrellas year round to accommodate this. The supplier ultimately would have to find a long-term solution in order to meet the long-term demand. So time is an important factor. Practical importance of supply. Law of supply ki practical importance kya?
आर सप्लाई की प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है ना, प्राइसिंग के अंदर इम्पोर्टेंट है, एग्रीमेंट पॉइंट बिल्डिंग डिमांड सप्लाई लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस प्राइस इज द एग्रीमेंट प्राइस एंड द अल्टीमेट प्राइस मिसिंग फॉर सर्टेन प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन दिस इनपुट। आप किसी सप्लायर में कितने पे बिलिंग है, क्या उसकी कॉस्ट है, वो सप्लाई करने को तैयार है, कितने रुपये के ऊपर सप्लाई करने को तैयार है, तो ये प्राइस के ऊपर, उस प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर असर अंदाज होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, हमें पता है कि प्राइस बढ़ती जाएगी, सप्लायर में सप्लाई बढ़ाने की शक्ल बढ़ती जाएगी, तो वो प्राइसिंग इज एन इम्पैक्ट, इज अ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस फॉर सप्लायर। फिर फोकस कि सप्लायर के, सप्लायर जो है उसमें डिमांड एंड सप्लाई के रिलेशनशिप के ऊपर नजर रखता है और फिर देखते हैं कि किस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें। वो जो हमने यहां पे बात कही कि जी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्शन, वो आप सीलिंग फैन के ऊपर करें, वो प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करें या एग्जॉस्ट फैन के ऊपर फोकस करें, ये उसको जो हमारा सप्लाई का मैकेनिज्म है जो हमने देखा, गला काट किस्म का कंपटीशन है, फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट हाई इन डिमांड ब्रिंगिंग मोर प्रॉफिटेबिलिटी एंड एनर्जी टू द फर्म, वो फोकस करेगा। जैसे हमने एग्जांपल में सीलिंग फैन के ऊपर से फोकस करवा दिया था। जी क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है सप्लाई के अंदर? इक्विलिब्रियम की बात आप करने लगेंगे हम। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्या है? हमने पहले एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा था कि कंज्यूमर अपने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सके। अब हम बात कर रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की, मार्केट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम पे है, इसका क्या मायने है? मार्केट इन इट्स बैलेंस, मार्केट इज नॉट बैलेंस, मार्केट हैज शॉर्टफॉल, मार्केट हैज सरप्लस, जो हम बातें ये करते हैं, शॉर्टफॉल है जी, सरप्लस है जी, मार्केट इक्विलिब्रियम पे नहीं है जी, अभी प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से लो है, अभी प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से हाई है, ये हम बातें करते हैं हम। डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस हो जी। अब हमने दो डिफरेंट, अब मार्केट के अंदर हमने दो डिफरेंट फोर्सेस देखी, मार्केट के अंदर हमने दो डिफरेंट फोर्सेस देखी। एक हमने पहले डिफरेंट फोर्स देखी थी डिमांड, और एक अब फोर्स देखी है सप्लाई। दोनों का कहीं ना कहीं आपस में ताल्लुक है कि वो सेम प्रोडक्ट कोई गुड ऐसी है जिसको वो प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला की जो एग्जाम्पल थी कि अम्ब्रेला की कुछ डिमांड है और अम्ब्रेला सप्लाई करने वाले कुछ फैंस की एग्जाम्पल, कुछ फैन को डिमांड करने वाले हैं, कुछ फैंस को सप्लाई करने वाले हैं। अब उन जो डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशनशिप है, जो डिमांड एंड सप्लाई का प्राइस के साथ तल्लुकात है, इसका भी प्राइस के साथ तल्लुक और इसका भी प्राइस के साथ तल्लुक, वो हमने देख लिया लॉ ऑफ डिमांड के अंदर और लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर, दोनों का प्राइस के साथ तल्लुक तो हमने देख लिया, दोनों को सेपरेट ही हमने प्राइस के साथ तल्लुकात, किसके तल्लुकात इनवर्स हैं और किसके तल्लुकात डायरेक्ट हैं, वो हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और पता चला कि डिमांड हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद प्राइस, डिमांड कर्व हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद प्राइस एंड सप्लाई हैज एन पॉजिटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्राइस। अब जनाब ये बात तो हमें समझ आ गई, ठीक है डिमांड एंड सप्लाई की, लेकिन मार्केट में कौन सी प्राइस होगी? सप्लायर चाहता है कि मुझे हायर से हायर प्राइस मिले, और जो कंज्यूमर है वो चाहता है मुझे लोअर से लोअर प्राइस के ऊपर मैं परचेज करूं। मार्केट में कौन सी प्राइस प्रिवेल करेगी? विच प्राइस
is the market equilibrium price. So market equilibrium price, what is the price? So market equilibrium price is the price where we see demand and supply in percentage. This is quantity and this is price. This is supply curve and this is demand curve. Ah, demand curve separately, everybody pata hai, price jaise jaise niche aayegi, logon ki demand increase hoti jayegi. Aur price jaise jaise upar jayegi, logon ki demand decrease hoti jayegi. Ye humne separately padha. याद है? और इसी तरह से भी हमने सप्लाई का पढ़ा कि सप्लायर जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी सप्लायर सप्लाई बढ़ाता जाएगा और जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगी सप्लायर प्राइस सप्लाई कम करता जाएगा. ठीक हो गया. अब ये जो दोनों की इंटरसेक्शन है उसको हम क्या कह रहे हैं, वहां पर क्या चीज हमें समझ आ रही है. This intersection this is point of equilibrium. Hum isko kehte hain equilibrium point. Equilibrium point, point of equilibrium. This is equilibrium price and this is equilibrium quantity. अब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व ने इंटरसेक्ट किया वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक ऐसी प्राइस हमें समझ आ रही है जिस प्राइस के ऊपर जो क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड बराबर. इस इक्वेशन के अंदर यहां पे हम देख रहे हैं कि प्राइस जब मार्केट में अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस है वहां पे जितनी लोगों की डिमांड है उतनी ही विलिंगनेस टू सप्लाई भी है, इक्वल है. प्राइस एंड सप्लाई आर सेम, प्राइस द क्वांटिटी सप्लाई एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर सेम, वो इक्वल. अगर 100 यूनिट्स है तो उस प्राइस के ऊपर 100 यूनिट्स ही डिमांड किए जा रहे हैं और वो 100 यूनिट्स ही सप्लाई किए जा रहे हैं. दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट. मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर हो तो वहां पे आपकी प्राइस एक ऐसी प्राइस होती है जिसपे क्वांटिटी सप्लाई एंड क्वांटिटी डिमांड बराबर की. अब ये चीज तो हमें समझ आ गई इक्विलिब्रियम की, हमें कही के इक्विलिब्रियम इज समथिंग वेयर आवर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर और ऑन दैट प्राइस वी हैव सेम लेवल ऑफ क्वांटिटी सप्लाई एंड क्वांटिटी डिमांड. बट क्या होता है, जरूरी तो नहीं है कि आपकी जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम पे हो. मार्केट इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी, इम्बैलेंस होगी, तो क्या कोई ऐसी एक्टिविटी है कि वो इक्विलिब्रियम पे आएगी? तो जनाब हम हमारे इकोनॉमिस्ट भाई हमें ये बताते हैं कि मार्केट के अंदर सेल्फ करेक्ट का एक मैकेनिज्म मौजूद होता है, सेल्फ करेक्शन का एक मैकेनिज्म मौजूद है मार्केट में. मार्केट विल प्रेशराइज द प्राइस टू बी ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस. मार्केट में प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस में लेकर आने की एक खसूसियत मौजूद है. अब वो खसूसियत जो मैकेनिज्म वो क्या है, वो खसूसियत और मैकेनिज्म है साहब, इफ वी हैव दिस इज सप्लाई दिस इज डिमांड,
आपकी प्राइस मार्केट की प्राइस हायर सेट हो गई। इस वक्त प्राइस जो थी वो मार्केट की इक्विलिब्रियम प्राइस से इक्विलिब्रियम प्राइस पर प्राइस की दैट वुड हैव बीन देयर, लेकिन इस वक्त प्राइस पी वन जो है दैट इज मोर देन द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। जब मार्केट में इक्विलिब्रियम से ज्यादा प्राइस सेट हो तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस? इक्विलिब्रियम से ज्यादा प्राइस अगर मार्केट के अंदर हो, हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि वो मार्केट की प्राइस को इक्विलिब्रियम के ऊपर आना ही पड़ता है। मार्केट के अंदर एक सेल्फ क्रिएटेड सेल्फ जनरेटेड एक मैकेनिज्म मौजूद है। अब इफ द प्राइस इज हायर, हम एक एग्जांपल देखें, इफ प्राइस इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस व्हाट विल हैपन, दैट मींस इसमें एक बात होगी कि पी वन के ऊपर जो क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज दिस, एंड पी वन के ऊपर क्वांटिटी सप्लाई जो सप्लायर्स आर विलिंग टू सप्लाई दैट इज दिस, यही है ना? क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड। लोग मार्केट में पी वन के ऊपर यार अच्छा इतनी अच्छी प्राइस मिल रही है तो मैं इसके ऊपर मैं देने को तैयार, हाँ मेरे पास भी पड़ेगा प्रोडक्ट, मैं आपको मार्केट में अवेलेबल कर देता हूँ, सप्लाई करने को तैयार हो जाते हैं इस प्राइस के ऊपर। जब मार्केट में इस प्राइस के ऊपर लोग सप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो एरिया दिस कर्व दिस पॉइंट दिस एरिया दैट इज शोइंग, ये चीज हमें बता रही है कि जनाब मार्केट में सरप्लस स्टॉक आ जाएगा, सरप्लस सप्लाई हो जाएगी, सरप्लस सप्लाई आना जाना, सरप्लस सप्लाई हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई विल बी मोर देन द क्वांटिटी डिमांडेड, ऐसे ही नजर आ रहा है यहां पे, सरप्लस हो जाएगा। जब मार्केट में सरप्लस होता है तो उससे क्या होगा, मार्केट में ज्यादा चीजें आ गई हैं, डिमांड कम है तो क्या होगा, मार्केट में सरप्लस होगा तो क्या होगा, सरप्लस होगा लोग खरीदना नहीं चाहेंगे, जो प्रोड्यूसर्स हैं दे विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस, लोग खरीदना नहीं चाह रहे, सरप्लस है, लोगों ने प्रोड्यूस ज्यादा कर लिया तो वो अब व्हाट दे विल डू, दे विल रिड्यूस देयर प्राइस। जब प्राइस रिड्यूस होगी, प्राइस रिडक्शन के ऊपर हमने कहा है कि सप्लाई ने कॉन्ट्रैक्ट करना है प्राइस रिडक्शन के ऊपर, मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट आ गई है, मार्केट में डिमांड कम है प्राइस वन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली सप्लायर्स विल हैव टू रिड्यूस प्राइस, मार्केट के अंदर प्राइस को रिडक्शन भी तो जाना पड़ेगा। जब प्राइस रिड्यूस होगी तो सप्लायर अपनी क्वांटिटी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्वांटिटी सप्लाई विल मूव टूवर्ड्स की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर जाएगी, और सेम गोज फॉर आवर क्वांटिटी डिमांडेड। जब सब क्वांटिटी प्राइसेस रिड्यूस होंगी तो प्राइस फॉल होने से क्या होगा, मार्केट के अंदर हमने डिमांड के ऊपर देखा है कि वो एक्सटेंड होगी, आपकी डिमांड एक्सटेंड होगी और वो इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करना शुरू कर देगी और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट के अंदर प्रिवेल करना शुरू कर देगी, जहां पे कि हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए प्राइस विल हैव टू कम डाउन, प्राइस कम होगी और वो इक्विलिब्रियम के ऊपर आने की कोशिश करेगी, ठीक है जी। वन थिंग इज दैट, तो मार्केट ने सरप्लस क्वांटिटी को खत्म करने के लिए प्राइस को रिड्यूस किया और उससे क्या हुआ, प्राइस रिडक्शन से सप्लाई रिड्यूस हुई और डिमांड इंक्रीज हुई और उससे फिर दोनों ने आपस में हैंडशेक किया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर, मार्केट सेटल होगी ऑटोमेटिक जो हमारा मैकेनिज्म। बट
lower than equilibrium price. This is P1. If this is P1, this is PE, equilibrium price. अब lower than equilibrium price है. उससे क्या हो रहा है? उससे आप देखें. This is our quantity supplied and this is our quantity demanded. This is our quantity supplied and this is our quantity demanded. कहाँ से ले रहे हैं हम? क्यों कह रहे हैं इसे supply? क्योंकि ये supply तरफ से आ रही है. ये supply तरफ से हमने यहाँ पे line cross की है. तो this is our quantity supplied. This is our quantity demanded क्योंकि demand curve की हम बात कर रहे हैं. इस price के ऊपर इतने units demand किए जा रहे हैं और इस price के ऊपर इतने units हमें हम supply कर रहे हैं. जी shortage हमें नजर आएगी. This area represents the shortage. जब कभी quantity supply is less than quantity demanded कि लोगों के की डिमांड ज्यादा है यानी इतनी कम प्राइस इतने तो मैं एक यूनिट भी 10 यूनिट भी नहीं होता. अब जो प्रोड्यूसर हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कहेंगे इतनी कम प्राइस इतने में तो मैं एक यूनिट भी नहीं सेल करूंगा. तो दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा. वो तो प्राइस तो कम है लेकिन उस प्राइस के ऊपर हमें शॉर्टेज नजर आ रही है. दिस प्राइस इज टेलिंग अ पोजीशन वेयर देयर इज अ शॉर्टेज. शॉर्टेज की पोजीशन हमें नजर आ रही है. क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन आवर क्वांटिटी डिमांडेड. शॉर्टेज. अब इस शॉर्टेज की वजह से क्या होगा? लोग मार्केट में डिमांड करेंगे. वो डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर्स कहेंगे अच्छा यार इस प्राइस पे तो नहीं मैं थोड़ा थोड़ी सी ज्यादा प्राइस ऊपर दूंगा. तो वो प्राइस इंक्रीज होना शुरू होगी. जब प्राइस इंक्रीज होना शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट मैकेनिज्म हमने जो पढ़ा कि प्राइस इंक्रीज विल एक्सटेंड द सप्लाई एंड प्राइस इंक्रीज विल कॉन्ट्रैक्ट द डिमांड. वो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर चली जाएगी वापस इक्विलिब्रियम ऊपर आने की कोशिश करेगी. शॉर्टेज में भी ऑटोमेटिक मैकेनिज्म असरअंदाज होगा. सरप्लस के अंदर भी ऑटोमेटिक मैकेनिज्म असरअंदाज होगा और मार्केट विल ट्राई टू रीच दिस इक्विलिब्रियम. वो इक्विलिब्रियम ऊपर आना चाहेगी. जी लेट्स कंसोलिडेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड equilibrium price can be which is determined by market forces that is demand and supply. Regulation equilibrium market price जो demand and supply जैसे हमने यहाँ पे देखी equilibrium market demand and supply आपस में खुद ही से interact करके कर रही हैं. और regulated market कौन सी है? जैसे हमारी petrol है. petrol की price demand supply से थोड़ी छोड़ी हुई. petrol की price government बताती है कितना इस महीने में पेट्रोल की ये प्राइस होगी. डिटरमिनेड बाय गवर्नमेंट. तो उसको हम रेगुलेटेड मार्केट प्राइस कहते हैं. इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस इज वन व्हेन बोथ सप्लायर एंड कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू एक्सचेंज ए क्वांटिटी ऑफ गुड्स फॉर मनी. दिस इज एट द इंटरसेक्शन जो हम बात करते हैं आप दी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड दी अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व. इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस at which quantity demand equals quantity supply and which will be established and restored by market forces. So, वो ही बात है. Market is not in equilibrium. Each moment price and quantity will be divorced from the demand and supply being at rest and market forces will act to take the price to its equilibrium. वो हमने कहा कि mechanism है वो equilibrium को देखना है. The regulated market price is somewhat different in its determinant by the government. In this instance, the government will suspend market forces and set the price according to its judgment. This is often done to promote social equality, low price on essential goods like heating and water, वगैरह शायद. और हमारे पास वो पेट्रोल की एग्जांपल पाकिस्तान में तो हमारे सामने. और यही वो सारी बातें हैं जो हमने ये तीन ग्राफ में देखी. इन्होंने एक ही में बता दी कि ये आपकी इक्विलिब्रियम है. दिस इज योर इक्विलिब्रियम. फिर कहा कि अगर पीएस हो जाएगा तो सरप्लस हो जाएगा. सरप्लस होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्यूडी इज मोर देन क्यूएस.
QD is less than QS, आपको surplus नजर आ रहा है और price market ढंग से ना हो वापस equilibrium के ऊपर आएगी और अगर P this हो जाएगा तो आपका QS मान और QD मान हो जाएगा QS मान is less than QD मान तो shortage नजर आएगी this area is shortage वो shortage नजर आएगी तो आपकी इस के साथ reaching shortage को से कैसे आपने पहुंचना है सरप्लस से आपने कैसे पहुंचना है ये सारी चीजें इसी के अंदर डिस्क्रिप्शन है देख सकते हैं आप उसी को हमने एलेबोरेट किया है यहाँ पे ग्रीन और ब्लू के साथ लिंक करके और ये एक क्लिप व्यू के लिए आपके सामने एक रख दिया 60 यूनिट्स के ऊपर आपके क्लिप व्यू और 60 की प्राइस दिस इज योर 60 प्राइस And this is your 500 unit quantity demanded or quantity supply दोनों बराबर हैं यहाँ पे देखें 60 के ऊपर quantity demanded and quantity supply दोनों equal हो गए हैं तो यहाँ पे equilibrium इसलिए है ठीक है जी अच्छा जी shift in demand and supply को हम कर देंगे Let's continue and next week's model chart. I love it.